प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हर दिन अपने प्रार्थना करना है कि वो मार्ग खोल सकता है, वो बंधन तोड़ सकता है, वो इंतजाम कर सकता है, जैसे कि एजरा के जीवन में इंतजाम किया, इज़राइल के जीवन में इंतजाम किया, नहमिया के जीवन में इंतजाम किया, मूसा के जीवन में इंतजाम किया। बोलो मेरे जीवन में भी इंतजाम करेगा। बोलो गवाही के साथ खड़े करेगा। भजन संहिता 35 अध्याय और उसका 13 वचन के अनुसार बोलो वो प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आएगा। बीमारी में था वो, फिर भी उसने फास्टिंग की है और उसको पता था कि मैं प्रभु को कैसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ, कैसे खींच सकता हूँ, क्योंकि शत्रु उसके लगातार पीछे पड़े थे। आज आपका कोर्ट केस चला, इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन आज आप मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए आपको नहीं मिलता है। बोलो मैं तैयार हूँ उस फल को लेने के लिए, तैयार हूँ। बोलो उस आंसर को लेने के लिए तैयार हूँ। बोलो बड़ी गवाही को लेने के लिए तैयार हूँ। बोले आमीन। हालेलुया। की तारीफ हो। बोलो परमेश्वर मुझ पर दया करो। बोलो परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करो। बोलो मुझे तैयार करो। आज आपको जो कुछ भी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपके प्रार्थना के शब्द होना चाहिए। बोलो परमेश्वर का भवन, बोलो परमेश्वर का राज। जैसे दानियल ने प्रार्थना की, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है, मैं अच्छा अच्छा हूँ, और इसलिए उसने मन बनाया स्वादिष्ट भोजन वस्तु नहीं खाना, मुझे ये नहीं लेना, मुझे अच्छे वस्त्र नहीं पहनना, मुझे ये नहीं करना। और इसलिए जब उसने डिसीजन लिया, प्रार्थना में गया, तो उसकी प्रार्थना सुन ली गई और उत्तर आ गया। बोलो मेरा भी उत्तर आने वाला है। बोलो मेरा भी प्रार्थना का फल मेरी गोद में आने वाला है। सब कुछ मेरे लाइफ में बेस्ट होने वाला है। रिसीव करो, रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो मैं तैयार हूँ। बोलो बड़े छुटकारे के लिए तैयार हूँ। बोलो बड़ी गवाही के लिए तैयार हूँ। बोलो बड़ी आशीषों को लेने के लिए तैयार हूँ। बोलो वो बंद दरवाजे को खुलवाने के लिए मैं तैयार हूँ। बंद दरवाजे को स्वर्ग में आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट है, लेकिन खुलेगा तभी जब अपने आप को सरेंडर करोगे। बोले मैं अपने आपको सरेंडर करता हूँ। बोले मैं आपको सरेंडर करती हूँ। बोले मेरी मदद करो, मेरी मदद, बोले मेरी सहायता करो। बोलो हर एक बंधन टूट जाए, हर एक रास्ते खुल जाए। बोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। करो करो प्रार्थना। आज आपकी प्रार्थना का विषय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर रास्ते को खोल दे। बोलो सभी जो अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर चर्च के भवन की जमीन के रास्ते को खोल दे। बोलो परमेश्वर अगुवाई कर, परमेश्वर पिता बंधन को तोड़ दे। बोलो रास्ते को खोल दे, परमेश्वर अगुवाई करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो, हर एक घातों को दूर करो, हर एक शैतानी हमले के ऊपर यीशु के नाम में। बोलो हर एक घातक के ऊपर बोलो फायर, फायर, बोलो फायर, फायर, बोलो हर एक रुकावट के ऊपर फायर, फायर, बोलो हर एक शैतानी हथियार के ऊपर फायर, फायर, हर एक शैतानी हथियार जो अलग अलग तरीके से काम कर रही है, बोलो फायर, फायर, होली गोस्ट फायर, फायर, बोलो 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 यीशु के नाम में जाए, जाए, बोलो यीशु के नाम में जाए। बोलो हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। बोलो रास्ते खुल जाए। बोलो रास्ते खुल जाए। बोलो मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। बोलो मैं अपने आप को समर्पण करती हूँ। बोलो मेरे रास्ते खुल चुके हैं। बोलो गवाहियाँ आ चुकी हैं। बोलो परमेश्वर ने मेरे लिए काम कर दिया है। बोलो मैं तैयार हूँ जलाल को लेने के लिए। बोलो मैं छुटकारा पाने के लिए तैयार हूँ। छुटकारा पाने के लिए तैयार। बोलो मैं कोर्ट केस से आजाद होने के लिए तैयार हूँ। कोर्ट केस से आजाद होने के लिए। बोलो सभी जनतालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करते चले जाए। सभी जन, सभी जन, सभी जन, सभी जन, बोलो हम प्रार्थना करते हैं। बोलो परमेश्वर, परमेश्वर, बोलो आप दरवाजे को खोलने वाले परमेश्वर, दरवाजे को खोलने वाले परमेश्वर, बोलो रास्ते को खोलने वाले परमेश्वर, रास्ते को खोलने वाले परमेश्वर, बोलो परमेश्वर मदद कीजिए, परमेश्वर मदद, एक मन होकर प्रार्थना करो कि परमेश्वर इंतजाम कीजिए, परमेश्वर इंतजाम, बोलो परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभु इंतजाम कीजिए, परमेश्वर अपने द गॉड ऑफ हेवन चर्च जो प्रभु यहाँ तक लेकर आए तो आगे भी लेकर जाएगा, बोलो इंतजाम कीजिए, इंतजाम कीजिए, बोलो मदद कीजिए, मदद कीजिए, बोलो सहायता कीजिए, सहायता, बोलो अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए, बोलो अपने सामर्थ्य को प्रकट कीजिए, अपने सामर्थ्य को, बोलो बिग टेस्टिमनी के साथ खड़ा कीजिए। बोलो हर एक रास्ते खुल जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए, बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। राइट नाउ करो करो प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी जन प्रार्थना करो, चर्च भवन की जमीन के लिए रास्ते खुलने के लिए करो करो प्रार्थना, उसके बाद फिर आपके लिए प्रार्थना होगी।
सभी जन एक मनोगढ़ यरूशलेम की ओर जा रहे थे, मतलब परमेश्वर के कार्य के लिए जब जा रहे थे तो उनका भी काम हो गया। जब आपका भी मकसद परमेश्वर का राज्य होता है, परमेश्वर के काम होते हैं, तो जब आप सब कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं तो सब कुछ आगे पीछे पड़कर मिल जाता है। आज प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के समर्पित, जो लोग स्पेशल फास्टिंग प्रे कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो रास्ते खुल जाए और आपके भी रास्ते खुल जाए, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। जिनके शरीर में प्रॉब्लम है इसी वक्त अपने हाथों को रखो, बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो यीशु के नाम में जाए, बोलो यीशु के नाम में जाए, बोलो यीशु के नाम में जाए, बोलो हर एक गंदी आत्माएं, बोलो हर एक दुष्ट आत्माएं, बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो हर एक शारीरिक कमजोरी के पर जवंत होने के लिए तैयार हो जाओ। यदि आप फास्टिंग में है और अपने सब चीज को कंट्रोल कर लिया है और कर रहे हैं तो जीतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी आपकी शारीरिक प्रॉब्लम है, अंदरूनी प्रॉब्लम है, बाहरी प्रॉब्लम है, बोले होली गोस्ट फायर, बोले होली गोस्ट फायर, बोले होली गोस्ट फायर, बोले होली गोस्ट फायर, हर एक शरीर के इंटरनल प्रॉब्लम, एक्सटर्नल प्रॉब्लम, बोले होली गोस्ट फायर, जितने भी पेट के रोगी आजाद हो जाए, जितने हड्डियों के रोगी और आजाद हो जाए, बोले होली गोस्ट फायर, इसी वक्त हड्डियों में जान आए, आपकी हड्डी चंगी हो जाए, आपकी हड्डियों में जो कमी हो पूरा हो जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा, चंगे हो जाए। जिस तरीके से स्वर्गदूत आया और छुआ, उसी तरह से पवित्र आत्मा छुए और आप चंगे हो जाए, आपकी हार्ट चंगी हो जाए, इसी वक्त जो बहने का यूट्रस है चंगा हो जाए, जो भी बेबी कंसीव नहीं कर पा रही है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम परमेश्वर की सामर्थ्य उतर और चंगे हो जाए। जो डॉक्टर ने मना किया है कि आपका बेबी नहीं हो सकता, हम इसी वक्त वो बंद दरवाजे आशीष के खुल जाए। परमेश्वर ने हन्ना के गर्भ को खोला, सारा के गर्भ को खोल दिया, परमेश्वर मदद करे इसके भी जिनके नहीं हो पा रहे, जिनको डॉक्टर ने मना किया है, आज खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, जैसे कि इली शिवा के पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भ खुल गया, आज यीशु के नाम में आज गर्भ खुल जाए, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो, जैसे मरियम के ऊपर था वैसे आप पर हो, जैसे हन्ना के ऊपर उतरा वैसे आप पर हो, जैसे सारा के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी वैसे आप पर भी हो, जिसके पास जो बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं, बेबी गर्ल की ब्लेसिंग नहीं, प्रभु आपको भी दे यीशु के नाम में। हाले जो डॉक्टर ने बोला आपको ऐसा ऐसा करवाना पड़ेगा, आप कहते हैं मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कैसे करूँ, क्या होगा, और उसमें भी 100% गारंटी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार सब कुछ हो सकता है। मैं प्रार्थना करते रहे गड़बड़ी की आत्मा को ठाट यीशु के नाम में, हर एक शैतानी अटैक खाते को ठाट यीशु के नाम में, जबकि बेबी ब्लेसिंग को रोक रहा होली गोस्ट फायर, जबकि आशीष को रोक रहा होली गोस्ट फायर, इसी वह परमेश्वर को शक्ति दे, हर एक बहनों को प्रभु सामर्थ्य दे और शक्ति दे और गवाही को पैदा करे और अब कंसीव करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। परमेश्वर को बेस्ट देने जा रहे हैं, हर एक घातक वार को हम इसी वक्त अटैक करते हैं और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो फास्टिंग में है पवित्र आत्मा के रास्ते खोल रहे यीशु के नाम में, हर एक कमर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हाले जो हर एक अटैक जो आप पर होते हैं होली गोस्ट फायर, जो शैतान आपके शरीर को लगातार कमजोर करता चला जाता है होली गोस्ट फायर, जो लगातार आपको दर्द करता चला जाता है होली गोस्ट फायर, जो आपके शरीर पर अटैक कर रहा है होली गोस्ट फायर, जो आपकी आंखों की रोशनी को ले रहा है होली गोस्ट फायर, इसी वक्त परमेश्वर की ज्योति उतरे, आपकी आंखों में रोशनी आए, आपके कानों में इसी वक्त परमेश्वर की आवाज उतरे, परमेश्वर का अभिषेक टच कर और इसी वक्त आप सुनने लगे और आप देखने लगे और जिनके गले में प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, थ्रोट के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, अल्सर के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, इसी वक्त हर्निया के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक ऑपरेशन कैंसल हो, ऑपरेशन कैंसल हो, ऑपरेशन कैंसल हो और स्पिरिचुअल जो ऑपरेशन है शुरू हो जाए, स्पिरिचुअल ऑपरेशन शुरू हो जाए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। परमेश्वर अपने दूत को भेजे और ऑपरेशन करे और चंगे हो जाए
और आजाद हो जाए, हील एंड बी डिलीवर्ड। आमेन। अब फिर से चलने लगेंगे, आमेन। अब फिर से दौड़ेंगे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं, हील एंड बी डिलीवर्ड। आमेन। इसी वक्त अद्भुत कामों को रिसीव करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिसीव करें। आई रिसीव इट। जैसा कि मैं आत्मा में महसूस करूं उसके विषय को, वो सामर्थ पर उतरे और चंगे हो जाएं, बंधन टूटे। इसी वक्त हर एक कमजोरी और श्रापित चीजें छोड़कर जाए, जो आपके बारे में नेगेटिव वर्ड्स बोले गए हैं, श्रापित वर्ड बोले गए हैं, इसी वक्त हम कैंसिल करते आपके जीवन में से। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, हर एक श्रापित वर्ड जो आपके बारे में कहा गया, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, हम कैंसिल करते यीशु के नाम में। हम शैतानी पावर को कैंसिल करते यीशु के नाम में। लोगों ने जो आपके बारे में बुरी बुरी बातें बोली है, होली गॉस्ट फायर, हम कैंसिल करते यीशु मसीह के समर्थ नाम में। और जो आज आप पर हंसते हैं, लेकिन अब वो आपको देखेंगे और वो हैरान होंगे यीशु मसीह के साथ, क्योंकि एक बड़ी गवाही आपके लाइफ में उतर रही यीशु के सामने। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा गड़बड़ी गवाही को लेने जा रहे हैं। आज जो लोग 21 दिन का फास्टिंग करने के, जिन्होंने मन में ठान लिया, बड़ी गवाही को लेने जा रहे हैं, बड़ी चीजों को लेने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको और ज्यादा तंदुरुस्ती दे, बलवंत करे, ताकत दे, शक्ति दे, सामर्थ दे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा को और ज्यादा बलवंत करे, अपने शक्ति दे, अपने सामर्थ्य दे। डेनियल को प्रभु ने बुद्धि ज्ञान समझ का वरदान दिया। परमेश्वर आपको भी एग्जैक्टली दे यीशु के नाम में। आप कभी भी आप गलत काम में ना पड़े, कभी भी गलत काम में ना जाए, आप हमेशा निर्दोषता में रहे, निष्कलंक में रहें, परमेश्वर के पीछे चलने वाले होकर बदल जाएं, परमेश्वर की महिमा आपके लाइफ में प्रकट हो और लगातार बढ़ते चले जाए यीशु के नाम में। आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाएं। आमीन। इसी वक्त तेरे काला जादू के ऊपर फायर, होली गॉस्ट फायर, जाप पर कर रहे हैं होली गॉस्ट फायर। और इन समय में अक्टूबर नवंबर के बीच में बहुत बड़ा जो तांत्रिक वांत्रिक होते हैं, अमावस्या की रात को काला जादू करते हैं, मारने की प्लानिंग करते, बलि लेते हैं, इसी वक्त जॉब पर यदि कर रहा है तो होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। हर तरह का जादू, टोना, तंत्र मंत्र, वचन को क्या कहता है कि कोई भी तंत्र मंत्र याकूब के घराने, परमेश्वर के घराने में काम नहीं कर सकता। होली गॉस्ट फायर, आपने कोई तंत्र मंत्र का सामान अपने घर में नहीं लेकर आना है, कोई शैतानी प्रोडक्ट आपके घर में नहीं होना चाहिए, यदि वो होगा तो फिर उसका जादू चलेगा। इसी वक्त हम कैंसिल करते यीशु के नाम में, हर एक शैतानी प्रोडक्ट को कैंसिल करते यीशु के नाम में, हर एक तंत्र मंत्र को कैंसिल करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, अच्छा तो जय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हील एंड बी डिलीवर्ड। आमेन। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए। आमेन। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। आमेन। हर एक शैतानी चीजें छोड़कर जाए, हर एक ऑपरेशन कैंसिल हो, हर एक रोसली बहनों के अंदर से बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, जितनी भी रसोली यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक स्टोन यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ बेल्टों कर बाहर आए, हर एक गांठ इसी वक्त छोड़ कर जाए, वो जगह स्थान जो भर के रखा गांठ यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त गिल्टी गायब हो जाए। हर एक कैंसर का ट्यूमर छोटा यीशु के नाम में आजाद हो जाए, बड़ा है आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। बोला होली गॉस्ट फायर, बोला होली गॉस्ट फायर, बोला होली गॉस्ट फायर, उसकी आग उतरे यीशु के नाम में। हर एक नशे से आजाद हो जाए, हर एक नशे की स्पिरिट के ऊपर होली गॉस्ट फायर, बोले होली गॉस्ट फायर, बोले होली गॉस्ट फायर, बोले होली गॉस्ट फायर। हर एक नशे की स्पिरिट छोड़ कर जाए, हर एक छोटा नशा बड़ा नशे से आजाद हो जाए। नशे बेचने वाले पकड़े जाए और हम उद्धार की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं, पवित्र आत्मश्वर बदले। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, हर एक विचार की स्पिरिट छोड़ कर जाए, हर एक गंदी आत्मा छोड़ कर जाए, जो दुष्ट आत्मा अटैक करते आजाद हो जाए। बोलो होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, बोलो होली गॉस्ट फायर, उसकी आग उतरे। आज हम फास्टिंग के साथ ये आग अब डबल हो चुकी यीशु के नाम में, बोले ये दुगनी हो चुकी यीशु के नाम में, दुगनी हो चुकी यीशु के नाम में। फास्टिंग के साथ जो आग है वो डबल हो चुकी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमेन। बोले होली गॉस्ट फायर, इसी वक्त परमेश्वर के फायर आके घर में उतरे, आके बच्चों के ऊपर उतरे और आजाद हो जाए। जो उद्धार नहीं पाए उद्धार की घोषणा करते हैं,
चंगाई की घोषणा करते हैं। हर एक लड़ाई झगड़े की स्पिरिट छोड़कर जाए, आपका परिवार बदल जाए, आपका घराना बदल जाए और इसी वक्त सब कुछ सही होकर बदल जाए। परमेश्वर का आत्मा आपके घर में वास करे और आपको चलाए। हर एक हानि और नुकसान के स्पिरिट कैंसिल करते हैं के नाम में, आजाद हो जाए। बोला आमीन। परमेश्वर आपके हाथों के कमाई सोर्स और हिस्से को ब्लेस करे। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोलो प्रभु ने गवाही के साथ खड़ा कर दिया है। बोले प्रभु ने ब्लेस कर दिया है। और जब फास्टिंग में जाते हैं तो शैतान को और ज्यादा आग लगती है। अब आपके घर में गवाही आने वाली 100% श्योर। क्या क्या कंट्रोल में रहेगा? बोलो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। इवन मोबाइल देखना भी कंट्रोल में रहेगा। हालेलुया। आपका खाना पीना भी कंट्रोल में रहेगा। एवरीथिंग प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। और आप एक बड़ी चीजों को लेने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। अपने हाथों में अपने बेस्ट टाइथ, अपने बेस्ट ऑफरिंग, जैसे कि आप जानते हैं, अपने बीजों को बोना है। हालेलुया। अपने उत्तम भाग को बोना है, जैसे कि आप जानते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए आपने बोना है लगातार, जो कि जमीन की कीमत है 3.5 करोड़ है। हालेलुया। राउंड फिगर में देखा जाए तो 4 करोड़ है। तो मेरे पास तो है, वैसे हेवन में है। हालेलुया। प्रवेश की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो मेरा अकाउंट तो है, मुझे तो पता है, लेकिन उसे हम खुलवाना है, उसे लेना है। प्रवेश मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो सब कुछ इजी तरीके से नहीं मिलता। और जब आपको इजी से मिले तो आप वैल्यू नहीं करते हैं। जब आपको मुश्किल से मिलता है तो आप उसको संभाल कर रखते हो। घर मिलेगा तो अच्छे से केयर करोगे, नौकरी मिलेगी तो अच्छे से करोगे। हालेलुया। आप उसे ऐसे नहीं जाने दोगे। किसी को, यदि किसी के पास कोई कपड़ा नहीं, उसे कपड़ा दो तो उसका बहुत इज्जत करेगा। एग्जैक्टली प्रभु आपसे इज्जत ही करवाना चाहता है। आमीन। ये परमेश्वर का देने का बोलो तरीका है। प्रभु दे सकता है, उसकी मर्जी है, लेकिन मेरे साथ आपकी भी तैयारी करवाना चाहता है। मेरी तो है तैयारी, वही दानियल की तैयारी फुल थी, लेकिन उनकी तैयारी नहीं थी। लेकिन अब आपकी भी तैयारी होनी बहुत जरूरी है। इस चर्च के साथ जो जुड़े हुए हैं, मेरा विश्वास है चर्च का विजन है परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना, चर्च जमीन को लेना, भवन बनाना और खुद बचना और लोगों को बचाना, यानी दूसरों को बचाना, खुद गड्ढे में जाना, खुद बचना और लोगों को भी बचाना। बोलो आमीन। जब इस विजन के साथ आप चलते जाते हर दिन, हालेलुया, तो शैतान की ताकतों को हर दिन आप कैंसिल करते जाते हो। बोलो आमीन। तो कितने लोग तैयार इस चर्च के विजन के साथ काम करने के लिए और बोने के लिए? तो आपने अपना बेस्ट, अपने उत्तम भाग परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है। और जब दाऊद ने कैसा बोया था, जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो जब मैंने उसके बोने को देखा तो उसमें लिखा है इतने इतने किक्कार सोना चांदी। मैंने जब कैलकुलेट किया इतना किक्कार का क्या मतलब होता उस टाइम में, तो जब कैलकुलेट किया तो सोने के बारे में देखा, तो उसका जो हिसाब किताब जब मैंने किया तो उसमें निकला था 1-1 टन सोना चांदी, बहुमूल्य मणि पत्थर। सोचो कि 1 टन, मैंने सारा हिसाब किताब निकाला तो अभी बिलियनेरी बन सकते हैं 1-1 टन के हिसाब से। उसका खजाना था, वो उसके पास सब कुछ प्रभु ने दिया था, पर उसको इतना दुख हुआ कि मैं हाथ से नहीं बना पा रहा हूँ, बट मैं अपना पर्सनल, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है बाइबल में, उसने जिसे कहते पर्सनल अपना गोल्ड, पर्सनल अपना सब कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए बो दिया। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं इतिहास की किताब में, प्रवेश मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो अपने अपना कैसे उसने वो दिया? अपना नीज, अपना पर्सनल थिंग्स। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29। हालेलुया। 3-4-5 जब पढ़ेंगे, पढ़ते हैं, तो मंदिर के भवन के निर्माण के लिए उसने पर्सनल थिंग्स को भी बो दिया। तो इसलिए परमेश्वर ने देखा कि भाई ना कोई प्रेम, यही प्रेम है। कुछ समझ में आया? मैंने क्या पढ़ाया पहला वचन? मुझे कौन परमेश्वर से अलग नहीं करना? कोई प्रेम, ना जोखिम, ना तलवार, ना कोई ऊंच, ना ऊंची पदवी, मुझे कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। जब भी हम अपने लिए गोल्ड परचेस करते हैं तो आपको पता है हम कैसे परचेस करते हैं? ले लेते हैं, ये प्रभु के भवन का काम आएगा। ले लेते हैं, जमीन का काम आएगा। ले लेते हैं। जब भी हम लेते हैं, सबसे पहला हम ये, हमारा ये वर्ड होता है,
रिंग पहना है, नहीं ये प्रभु के घर का काम आएगा। गोल्ड चेन पहना है, नहीं प्रभु के घर का काम आएगा। ये हमने कभी नहीं बोला कि मुझे अपने लिए लेना, हमने कहा कि नहीं ये प्रभु के घर में, घर के लिए, जमीन के लिए काम आएगा। क्योंकि हमें कोई, हमारा कोई प्रेम नहीं है सोना चांदी से, क्योंकि आपको पता है। और जब मैं सोने को देख रही, क्या पत्थर जैसे दिखता है, येलो येलो कलर का, मुझे तो सोना उतना खास पसंद नहीं है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। तो मैंने जब बाइबल में लिखा है जो जो सड़क है स्वर्ग में वो सोने की है, और जो ट्रांसपेरेंट सा स्क्वायर वाला है वो मणियों से फाटक कैसे कैसे बने हुए हैं। तो ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं करती, जितना हम त्यागते हैं उतना हम वहाँ पर अपना बेस्ट को पाते हैं, तो ये भी मैटर करती है। हालेलुया, प्रवेश की तारीफ। एक समय ऐसा था जब हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन एक समय ऐसा कर दिया प्रभु ने कि सब कुछ वापस आ गया। हालेलुया, और वापस आया तो उस पर हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ये है कि सब कुछ। जब मैं वचन को पढ़ी तो मैं तो सोचती हूँ कि सब कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए हमारा मेन है, हमारा जो अर्निंग मेन है वो क्या है, कमाने का जो मतलब है भवन के निर्माण में हेल्प करना, हालेलुया, काम करना। और ये अपॉर्चुनिटी है, जब आप बोएंगे, फॉर्मूला समझो, जब हम बोएंगे तो हम उतना पाएंगे, इसलिए गिनती की किताब लिखा हुआ है। इसलिए पहला महीना, दूसरा महीना, और वचन में लिखा है कि इतना इतना बोया गया, लिखा गया। तो इसलिए आज भी दाऊद का जितना बोया उतना मेंशन किया गया है, नहीं तो क्या मेंशन किया गया है, जाना था सोना बोया, इतना बोया, उतना किया, ये किया, बट वहाँ पर मेंशन की गई है बाइबल में किसने इतना 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 बोया परमेश्वर के राज्य के लिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसे जब हम बोते हैं तो हमारा काउंट किया जाता है और हर एक एक चीज लिखा जाता है। बोलो आमीन, हालेलुया। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्रार्थना के द्वारा अपना टाइम को बोना शुरू करो, और उसके बाद देखो क्या होता है आपके लाइफ में, खुद ही देखना, सब कुछ प्रभु आपको बेस्ट टू बेस्ट देगा। आपको पता नहीं है, जब आप आज एक हिस्सा बोते थे आपको दो हिस्सा मिलता है, तीन हिस्सा बोते हो तो चार हिस्सा आपको पीछे पड़कर मिलती है। बोलो आमीन, हालेलुया। तो घर में जाकर इस बाइबल वचन को पढ़ना, ध्यान से परमेश्वर मसीह की तारीफ हो। तो इसलिए एक बिजनेसमैन का ऊपर अपन स्टोन हो रहा है लगातार, तो क्यों हो रहा है? आप बो नहीं रहे इसलिए हो रहा है, आपको बोना जरूरी है। जब आप बोएंगे तो उसके बाद डाउन नहीं और हमेशा के अप होता चला जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपका कोर्ट केस कुछ भी है आपके लाइफ में, बोने के द्वारा आप ले सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स खुलवा सकते हैं स्वर्ग से, बड़े बड़े बैठे हुए हैं आपके लिए। प्रभु किसी के भी मन में डाल के आपके पास भेज सकता है उसे, और वो खाता वही खुलवा सकता है। बोलो आमीन, आमीन बोलोगे तो आपके खाते में ऐड हो रहे हैं। बोले आमीन, मेरे पास जो चीज़ नहीं है वह आपको मिल सकता है। और इफेक्टिव प्रार्थना, जब फास्टिंग में जाते हैं अपने आप को कंट्रोल करते हो, प्रभु के स्वर्ग के राज्य के लिए अर्पण करते हो, मन में ठान लेते हो प्रभु के पीछे चलने के लिए लगातार और उसकी सेवा करने के लिए, तो सचमुच में फिर आपके पीछे पड़कर मिल जाएगी यीशु के नाम में। तो उसके बोना को हमने पढ़ा है लिखित रूप में, आप घर में जाके पढ़ना, हालेलुया। तो उसने फिर पाया भी वैसे ही है, और वचन में लिखा है वो बीमारियों कर मरा दाऊद, मनमाना आनंद करके मरा लिखा है, हालेलुया। पूरी एज में मरा है, जितना एज प्रभु ने नियुक्त किया था उतने एज में मरा। आज लोग मरते पाप की वजह से मरते हैं, लेकिन उसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखी गई है बाइबल में, पूरा मनमाना आनंद भोग कर मरा लिखा है, हालेलुया। एंजॉय नहीं कर पाए, आज लोग अपनी संपत्ति का एंजॉय नहीं ले पाते, आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि वो खुद सब कुछ इस तरह से करते हैं, हालेलुया। लेकिन जब आपका उत्तम दान, उत्तम भाग परमेश्वर के राज्य के लिए बोने के लिए जब आएंगे, मेरा विश्वास है कि आप उत्तम भाग को रिसीव करेंगे। बोले आमीन, अपने हाथों में रखो अपने बेस्ट टाइथ को, बेस्ट ऑफरिंग को। बोलो मैं तैयार हूँ परमेश्वर के राज्य को उत्तम भाग देने के लिए, अपनी बोलो सैलरी का मैं कमाई का हिस्सा परमेश्वर के राज्य के लिए बोऊंगा, बोऊंगी। और बोलो मेरे श्राप टूटेंगे, ये बीच दरवाजे को खोलेगा, बीच श्राप को तोड़ेगा, ये बीच मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएगा, ये बीच बीमारी के श्राप को हटा देगा, बीच मेरे कोर्ट केस से, बोलो ये बीच मुझे कोर्ट केस से आजाद करेगा, बोले पक्की गवाही के साथ खड़ा करेगा, मेरा बिजनेस अप एंड स्टॉन्स को बंद करेगा और ये अप में जाएगा। आपका छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस होकर बदल जाएगा, बड़ा बिजनेस एक ब्रांड में होकर बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। हम सब वर्शिप करेंगे, और वर्शिप के दौरान तो अपने बेस्ट ऑफरिंग को बोना है, अपने स्क्रीन में देख सकते हैं क्यूआर को, जितने फॉरेन से हैं आप भी अपने बेस्ट बीज को बो सकते हैं, हालेलुया। तो आइए वर्शिप कर अपने बीजों को बोना है, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया।
मेरे रब यहोवा खुदावंदा, मैं दिल तो गावां तेरी सना। मेरे रब यहोवा खुदावंदा, मैं दिल तो गावां तेरी सना। है चट्टान तू मेरे अबदी खुदा, है चट्टान तू मेरे अबदी खुदा, है चट्टान तू मेरे अबदी खुदा, है चट्टान तू मेरे अबदी खुदा। तेरी सना।
हालेलुया। आइए सब जन अपने हाथों को स्वर्ग की अर्पण सर्व को झुकाएं कलीसिया परमेश्वर की हजूरी में। सर्वशक्तिमान परम प्रधान सब जरूरतों को पूरा करने वाले हमें अपनी पवित्र हजूरी में अपने अनुग्रह के द्वारा अपने सामर्थ्य के द्वारा लेके आने वाले प्रेमी पिता अपने प्रेम के द्वारा प्रभु जी हमें संभालने वाले हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर दिन हमारे बोझ को उठाए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये श्रद्धा एक एक जनों को प्रभु आपके हाथों में देते प्रभु। जिस सामर्थ्य वचन के द्वारा प्रभु जी एक एक जनों से आपने बात किया प्रभु जी वो वचन प्रभु जी सर्वदा हर एक के जीवन में इनके हृदयों में इनके मनों में बना रहे और वास करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। फास्टिंग में बने रहें और प्रभु ये जैसे दानियल ने प्रभु जी उपवास किया तो उसने अपनी प्रभु जी अपनी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं को त्यागा। प्रभु यीशु ने हम आपके आगे प्रार्थना करते कि एक प्रतिष्ठा के साथ एक पिता परमेश्वर ऐसी अट्रैक्ट करने वाली फास्टिंग और प्रार्थनाएं प्रभु जी आज अपनी कलीसिया को देने के लिए प्रभु जी आपने बातचीत किया आपने वचन के द्वारा प्रभु उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने अगुवाई किया वचन से प्रभु हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। रहते हुए दिन के समय का आपके हाथों में देते हैं। रात में मीठी प्यारी नींद देना स्वप्न दर्शन में बात करना जब अपने घर में वापस जाते आपका मसा इनके साथ जाए इनकी अगुवाई करे बंद रास्तों को खोले बंद दरवाजों को खोले और अद्भुत बड़ी कमाई के साथ खड़ा करने के लिए प्रेमी पिता आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है प्रभु जी। हर एक एक जनों को अपने आगमन के लिए तैयार करें और उसके लिए निर्दोष और निष्कलंक बनाए और आज भी आपका आगमन होने से हम सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया से कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत परमेश्वर का फजल पवित्र आत्मा की सहभागिता परमेश्वर के सच्चे दास और दासियों के साथ परमेश्वर के सच्चे लोगों के साथ सच्ची कलीसियाओं के साथ आप से लेकर प्रभु के आगमन तक बनी रहे। सभी जन कलीसिया से कहे आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आज की प्रार्थना सभा को सभी के साथ शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हर एक अपडेट्स को पाने के लिए प्रभु की हजूरी के साथ समय समय पर कनेक्ट रहने के लिए प्रभु की हजूरी में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मसीह की HD चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। और जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जो नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है प्रेयर लाइन का नंबर प्रार्थना करवाने के लिए 9711051481। और जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो गवाही को देना ना भूलें। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और जो व्हाट्सएप का नंबर है आपके स्क्रीन के ऊपर आप उस नंबर पर अपनी गवाही को सेंड करें वीडियो बना करके सभी के साथ शेयर करने के लिए। तो जो लोग भी फास्टिंग में हैं लगातार फास्टिंग में बने रहें जैसे कि आज उपवास फास्टिंग का 4th डे है जो कि सिर्फ और सिर्फ भवन के लिए है और उसके इंतज़ाम के लिए है। परमेश्वर वो स्वर्ग से मुहैया करना चाहिए। ऐसे आपने एक एक पॉइंट्स के साथ जैसा जैसा आप परमेश्वर का भवन देखना चाहते हैं आपने वैसे वैसे कलीसिया परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में बने रहना है। और जब आप परमेश्वर के सम्मुख प्रभु के भवन के लिए उसके राज के लिए प्रार्थना करते उपवास करते हैं तो प्रभु आपको सेम नहीं रहने देते। वो आपके जीवन में भी गवाही को रिलीज़ करेंगे। हालेलुया। तो जिन लोगों के जीवन में कोई इंक्वायरी है अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं। अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। जो प्रेयर सेंटर का नंबर है वहाँ पर कॉल करके नहीं तो आप परमेश्वर के भवन में आकर के भी अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि शनिवार उपवास प्रार्थना है तो सभी जनों को इन्वाइट करते हैं शनिवार उपवास प्रार्थना के लिए जो कि परमेश्वर के भवन में होगी। समय पर सभी ने पहुँचना है स्पेशली परमेश्वर से अभिषेक को ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ को लेने के लिए सभी ने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है और अपने दान अपने बीजों के द्वारा परमेश्वर के राज परमेश्वर के भवन में बने रहें। जो कि आपको पता है कि जो ज़मीन लेने जाने हैं और वहां पर सारी ज़रूरतें हैं लगातार अपने बीजों को बोएं। जितने जन फौरन से परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हैं आप जो बैंक डिटेल है आप उस बैंक डिटेल के द्वारा आपने स्पेशल बीजों को जो भवन के लिए हैं आप उन्हें भेज सकते हैं। तो QR स्कैन के ज़रिए भी आप अपने स्पेशल बीजों को अपने उत्तम बीजों को आप प्रभु के राज्य में बोएं और लगातार बने रहें परमेश्वर के हजूरी में परमेश्वर के साथ संगति करते रहें और लगातार अपनी प्रार्थना में भी याद रखें पास्टर जी के लिए चर्च भवन के ज़रूरतों के लिए सारी टीम के लिए पूरे परिवार के लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। और जो इवेंजलिज्म के कामों के लिए भी अपनी प्रार्थना में याद रखना है। हालेलुया। और आने वाली बड़ी मीटिंग्स जो कि क्रिसमस और क्रॉस ऑफ नाइट मीटिंग है उन सभी मीटिंग्स के लिए आप सभी को इन्वाइट करते हैं। अभी से अपनी टिकट्स को बुक कराएं इंतज़ाम करना शुरू करें कलीसिया। और जैसे ही आपको पता है कि जैसे ही इनकी कोई
आगे की डिटेल्स होगी वो आप सबके साथ बहुत जल्द से जल्द शेयर की जाएगी। इससे आपने हर एक मीटिंग का हिस्सा बनना है, सुबह शाम की प्रार्थना का हिस्सा बनना है। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे और शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे। और सभी के लिए प्रेम भोज रेडी है, सभी को लाइन्स में बिठाएं और प्रेम भोज सर्व किया जाए। सभी जन प्रभु में सर्वदानंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएँ। कली से आप सभी को चमत् से की सभी जन बुलंद आवाज से कहें हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल।